यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। रुख करते हैं अगली खबर का। पिंजौर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मामा पर ही 5 साल की भांजी के साथ गलत हरकत करने के आरोप लगे हैं। मासूम के पिता का आरोप है कि उसका साला उनके साथ रहता है और उसने बच्ची को पानी के बहाने अपने पास अंदर की तरफ बुला लिया और उसके साथ गलत हरकत की। पिता ने कहा कि मासूम ने उसे दर्द होने के बारे में जानकारी दी, लेकिन उसने उसकी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उसने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि मामा ने उसके साथ गलत हरकत की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो यहां पर आपको बता दें कि एक मामा का हैवानियत भरा चेहरा सामने आया है और पुलिस ने फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी जो है वो अभी फरार है। तो एक मामा ने अपनी ही भांजी को शिकार बनाया, वो अपने ही जीजा के घर रहता था और उसने कमरे में उस लड़की को बुलाया और उसके साथ गलत हरकत की। उसके बाद जब लड़की ने अपने पिता से इसकी शिकायत की तो इसके बाद पुलिस में इसकी सूचना दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि जो आरोपी है वो फरार है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो पिंजौर से ये घटना बता रहे हैं आपको, जहाँ पर मामा हैवान बन गया है। आज एक 5 साल की लड़की के माता पिता ने एक शिकायत थाना में दी है। उसकी बच्ची के साथ उस अपने आरोपी ने केला बाके उसको उसके साथ घिनौनी हरकत की है। इसके संबंध में हमें इसके FIR दर्ज करके और आरोपी गुड्डू जिसकी उम्र 26-27 साल है उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।